हेलो फ्रेंड्स, मेरी किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे प्याज का अचार, जो कि मिनटों में बन के रेडी हो जाता है और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो हम शुरू करते हैं बनाना। प्याज का अचार शुरू करते हैं हम बनाना। उसके लिए मेरे को सबसे पहले चाहिए ये मेथे लिए हैं मैंने, 1 1/2 टेबल स्पून, और 2 1/2 टेबल स्पून मैंने इसको लिया है सौंफ को। इन दोनों को हम मिक्सी जार में डालेंगे और इनका एक पाउडर रेडी कर लेंगे। और साथ ही हमें जो चाहिए, 1 टीस्पून हमें कलौंजी चाहिए, बिल्कुल चुटकी हींग चाहिए, और काला नमक टेस्ट के हिसाब से, जीरा पाउडर। जीरे को मैंने तवे पे भून के उसका पाउडर रेडी कर लिया था। ये 1 1/2 टीस्पून है, ये सिरका है 2 1/2 टेबल स्पून है, और ये शक्कर है। शक्कर हमें बिल्कुल थोड़ी सी चाहिए, आप शक्कर की जगह पे गुड़ भी डाल सकते हो। तो मैं पहले इसका पाउडर रेडी कर लेती हूँ। ये पाउडर मैंने रेडी कर लिया है मेथे और सौंफ का। अब हम गैस पे मैंने कढ़ाई को रख दिया है। अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। इसमें तेल 100 ग्राम के करीब डल जाएगा। मैंने 1 kg प्याज लिए हैं। प्याज हमें ऐसे छोटे साइज के लेने हैं। इसको मैंने सेंटर में से चीरा लगा दिया है ताकि इसमें अच्छे से मसालों का टेस्ट चला जाए। ये 1 किलो प्याज है, तो इसके लिए हमने 100 ग्राम इसमें सरसों का तेल डाला है। अब हम तेल को थोड़ा गर्म होने देते हैं। तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम इसमें सबसे पहले गैस का फ्लेम हम स्लो कर देंगे। सबसे पहले हम इसमें चुटकी हींग डाल रहे हैं। हींग डालने के बाद हम इसमें कलौंजी डालेंगे। गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। अब हम इसमें जो हमने सौंफ और मेथे का पाउडर रेडी किया था वो डालती हूँ मैं इसमें। थोड़ा सा हम इसको भून लेते हैं। गैस गैस का फ्लेम मीडियम ही रखना है, अदरवाइज हमारे जो ये ड्राई मसाले हैं ये जल जाएंगे। ड्राई मसाले हमारे अच्छे से भून चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे, ये हल्दी ले रही हूं मैं 1/2 टीस्पून, अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये मिर्ची, ये टेस्ट के हिसाब से ही डालें। नमक, इसमें मैंने काला नमक 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून ही मैंने व्हाइट नमक लिया है। अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें नमक डालें। जीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून। 1 मिनट के लिए हम इनको भून लेंगे। 1 मिनट पकाने के बाद अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हम अच्छे से इसमें मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद साथ ही मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ। शक्कर या गुड़ भी आप डाल सकते हो। शक्कर से इसका जो बैलेंस है मसालों का वो बिल्कुल सेट रहेगा। बहुत ज़्यादा भी नहीं डालनी, नहीं तो प्याज हमारे यहाँ जो वो मीठे हो जाएंगे। अब हम इनको ढक के पकाएंगे बिल्कुल मीडियम गैस पे। जब तक प्याज ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाते तब तक हम इसको पकाएंगे। अब हम एक बार प्याज को चेक कर लेते हैं। प्याज ट्रांसपेरेंट होने शुरू हो गए। अब इनको 2 मिनट और लगेंगे। ये अचार बिल्कुल झटपट बन के रेडी हो जाता है और खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये 15 से 20 दिन के लिए ये बिल्कुल खराब नहीं होता। 15-20 दिन आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो। अब 2 मिनट के लिए इसको और पकाते हैं।
अब हम चेक कर लेते हैं प्याज को। प्याज का अचार बिल्कुल बन के रेडी है। इस समय हम इसमें डालेंगे सिरका। ये मैंने वाइट सिरका लिया है, आप दूसरा भी ले सकते हो, ये 2 टेबलस्पून है। अगर आप सिरका नहीं डालना चाहते तो इसमें इमली का पल्प भी आप डाल सकते हो, लेकिन सिरके से एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है प्याज में। तो मिक्स कर देंगे और गैस का फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। अब हम इसको ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसको जार में भरेंगे। प्याज का अचार बन के रेडी है। आप इसको 15 से 20 दिन के लिए रख के खा सकते हो, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।